सो हे गाइस आ गए हूँ आप सभी के लिए फिर से नई वीडियो लेकर सो so, गई सभी आपने जो स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा आज मैं आप लोगों को इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो गाइस अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो में मंड तक के बने रहना एंड चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर लेना तो ये वाला स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोग एलाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप लोगों के पास एलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोग को एलाइट मोशन में दो प्रिशेड इंपोर्ट करने देखिए यहाँ पे एक बुक मार्क और एक सेक इफेट प्रिशिएट ठीक है तो दोनों को इंपोर्ट करने के लिए गई आप लोगों को सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाना है एंड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को एस बी टेक्वाइटी सर्च करना है सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाना वहां पे आप लोगों को ये जो, ये जो दोनों प्रीसेट है वो मिल जाएगा तो वहां लोग इसको इम्पोर्ट कर लेना है और इम्पोर्ट करने में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना वहाँ पे आप लोग को एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि मटेरियल डाउनलोड कैसे करे वो वीडियो देखना आप लोग को समझ में आ जाए यहाँ पे प्रिशिएट इम्पोर्ट कर लेने के बाद आप लोग को एलाइट मोशन ओपन कर लेना और और यहाँ पे आप लोग को और भी कुछ प्रॉब्लम आता है एडिटिंग में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना मैं वहां पर आप लोग का रिप्लाई जरूर से करूंगा अब यहाँ पे एलाइट लाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पे आप लोग जो बुकमार्क इम्पोर्ट की ओपन करने इस तरीके से एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है यहाँ पे मैंने सॉन्ग वगैरह सब कुछ ऐड कर रखा है एंड यहाँ पे कुछ बीट मार्क वगैरह मैंने लगा रखा है तो यहाँ पे किसी आप लोग को फोटोज ऐड करने तो फोटो ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है ठीक है एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग को प्लस पे टाइप करके मीडिया पे आना यहाँ पे आने के बाद जिस फोटो का आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो फोटो आप लोग को यहाँ से लेना है इस तरीके से अब ये लेने के बाद किसे आप लोग को यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करके फिल कम्पोजिशन एरिया के ऑप्शन पे टैप करना एंड ये करने के बाद अगर आप इस फोटो को जूम वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को मूव एंड ट्रॉम फॉर्म पे आ जाना है यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है यहाँ से आप इस तरीके से जूम कर सकते हो ठीक है तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इसके बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है फोटो पे टैप करके ही रखना एंड आगे आना है ठीक है यहाँ पे आप लोग को जो फर्स्ट में जो बुकमार्क दिख रहा है रेड कलर का यहाँ पे आना है ठीक है डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे टैप करना आ जाएगा अब आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना है तो फोटो जो है कुछ यहाँ तक के आ जाता है अब यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट फोटो ऐड करना है तो इसके लिए आप लोग को फिर से इस वाले बुक मार्ग पे ही रहना है तो यहाँ पे टैप करना इसके बाद आप लोग को फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे आना है कोई से भी नेक्स्ट फोटो आप लोग को इस तरीके से लेना है अब ये लेने के बाद किसी आप लोग को फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करके फिल कम्पोजन एरिया के ऑप्शन पे टैप कर देना है फिर से आप लोग को इस वाले बुकमार्क पे जाना है ठीक है तो यहाँ पे आ जाना आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दो बुक देखने को मिलेगा ठीक है इस तो आप लोगों को सेकंड वाले पे जाना है दो बार इस पे टाइप करना एंड इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को फिर से टैप कर देना तो फोटो कुछ यहाँ तक के आ जाएगा अब फिर से आप को इस वाले बुक पे आ जाना है सेकंड वाले पे ठीक है अब फिर से प्लस पे टाइप करके आप लोग को मीडिया पे आना है नेक्स्ट फोटो इस तरीके से लेना एंड अब आप लोग को फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे टाइप करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पे टैप करना है फिर से नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे जाना तो इस वाले ऑप्शन पे टाइप करना है और फोटो का आगे का पार्ट जो है कट करना है तो कट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है ठीक है कट हो जाता है अब फिर से आप लोग को प्लस पे टाइप करके मीडिया पे आना होगा फिर से कोई सा भी एक फोटो लेना है थ्री डॉट पे टाइप कर फिल कंपोजिशन करना नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे जाना और आगे का पार्ट कट करना है तो कट करने के लिए यहाँ पे आप लोग को टाइप कर देना है फिर से कहीं प्लस पे पर टाइप करके मीडिया पे आना है और फिर से आप लोग को कोई सा भी एक फोटो लेना है ले, फिर से आप लोग को फिल कम्पोजिजन करना है ने वाले बुक मार्क पर जाना और आगे का पार्ट कट कर देना है तो इस तरीके से कहीं आप लोग को पूरा फोटो ऐड करते जाना है देखिए फोटो लेना थ्री डॉट पे टाइप कर फिल कम्पोजिजन करना है नेस्ट वाले बुक मार्क पर जाना तो यहाँ पे डबल बुक मार्क है ठीक है आप लोग को इसके नेस्ट वाले पे जाना है इस तरीके से और आगे का पार्ट जो है कट कर देना है तो इस तरीके से कहीं आप लोगों को फोटो पूरा लास्ट तक के ऐड कर लेना है या तो फिर आप जितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो उतने तक के आप लोगों को फोटो ऐड कर लेना है ठीक है

और थ्री डॉट पे टैप करके आप लोग को कॉपी इफेक्ट करना है ये करने के बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है और फिर से बुकमार्क शेड ओपन करना है जिसपे आप फोटो ऐड किए रहोगे एंड जो फर्स्ट फोटो आप यहाँ पे लगाए रहोगे उस पर आप लोग को टैप करना है इफेट पे आना और थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना तो इस वाले इफेट का जो काम है कंप्लीट हो जाता है अब गाइस आप लोग को यहाँ से एक बार बैक आना है बैक आने के बाद फिर से सेक इफेक्ट ओपन करना अब आप लोग को सेकेंड वाले लेयर पर टैप करना है ठीक है तो देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों को इस पे टैप करना इफेट पे आना फिर से थ्री डॉट पे टैप कर कॉपी फेट करके यहाँ से आप लोग को बैक आना है अब फिर से आप लोगों को बुकमार्क प्रशियट को ओपन करना है ठीक है एंड ओपन करने के बाद आप लोग को अब आगे आना है ठीक है आप लोग को सेकंड वाले फोटो पे आ जाना है तो इस सेकंड फोटो जो आप यहाँ पे लगा रहे होगी इस पर आप लोग टैप करके इफेट पे आ जाना है थ्री डॉट पे टैप करके इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट जो है लग जाता है अब बस आप लोग को यहाँ पे ट्वेंटी सेकंड पे आना है ठीक है देखिए यहाँ पे आप लोगों को ट्वेंटी सेकंड पे आ जाना है यहाँ पे एक और इसी वाले फेट को एक और फोटो में अप्लाई करना है तो यहाँ पे कैसे आप लोगों को देखिए लगभग ट्वेंटी पॉइंट नाइन सेकंड में आना है ठीक है इस वाले फोटो पे टैप करना फेट पे आना थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना तो इस वाले फेट को आप लोग को दो ही फोटो में अप्लाई करना होगा इसके बाद आप लोगों को फिर से बैक आकर के से फेट ओपन कर लेना है अब कैसे आप लोग यहाँ पे थर्ड वाले लेयर का जो थर्ड वाले लेयर जो दिख रहा है ना इस इसे आप लोगों को टाइप करके फेट पे आ जाना है थ्री डॉट पे टैप पर कॉपी फेट करना है फिर से आप लोग को यहाँ से बैक आना है और बुकमार्क प्रीशेड को ओपन करना है अब आप लोग को यहाँ पे आगे आ जाना है ठीक है एंड यहाँ पे आप लोग को जो डबल बुक मार्क दिख रहा है ना यहाँ पे रेड कलर का इस पे आप लोग इस वाले फोटो पे टैप करना है इफेड पे आना थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है ये करने के बाद आप लोग को फिर से आगे आना है यहाँ पे एक और डबल जो बुक मार्क दिख रहा है तो इस वाले फोटो पे फिर से टैप करना इफेड पे आना थ्री डॉट पे टैप कर पेस्ट कर देना है अब कहीं आप लोग को फिर से आगे आ जाना है ठीक है यहाँ पे भी डबल बुक मार्क है तो इस वाले फोटो पे टाइप करना फेट पे आना थर्ड ऑट पे टाइप कर पेस्ट कर देना तो गई वाला जो इफेक्ट है ना जहां जहाँ पे डबल बुक मार्क वाला फोटो आता है उस वाले फोटो पे आप लोग को इसको अप्लाई करना होगा इस तरीके से ठीक है देखिए आगे आना यहाँ पे भी डबल बुक मार्क है तो इस वाले फोटो पे टैप करना फेड पे आना थर्ड ऑट पे टाइप कर पेस्ट कर देना तो इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेना अब ये हो जाने के बाद आप लोग को फिर से बैक आना है ठीक है अब आप लोग को फिर से यहाँ पे सेक इफेक्ट ओपन करना है लास्ट वाला इफेक्ट आप लोग को कॉपी करना है तो लास्ट में आना है आप लोग को ठीक है अब इस वाले पे टैप करना ही फेड पे आना डॉट पे टैप करके कॉपी फेड करना है फिर यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है और बैक आने के बाद फिर से बुकमार्क शेड ओपन करना यहाँ पे हमने इफेक्ट जो है लगा लिया ठीक है इस पर भी लग गया है अब गई जिस जिस फोटो में इफेक्ट नहीं लगा उन सभी फोटोज में आप लोग को हमने अभी जो इफेक्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है ठीक है तो जितने भी फोटोज में इफेक्ट नहीं लगा इसमें टाइप करना इफेक्ट पे आना आना डॉट पे टैप कर पेस्ट कर देना है देखिए इसमें भी नहीं लगा ठीक है तो इस पर भी टाइप करना इफेक्ट पे आना थीडा डॉट पे टैप कर पेस्ट कर देना है एंड गाइस जितना भी फोटो यहाँ पे छूटा रहेगा सभी में आप लोग को इसी तरीके से इफेक्ट को अप्लाई करते जाना है ठीक है यहाँ पे हमने लगा रखा है अब फिर से नेक्स्ट वाले पे टैप करना इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट पे आना थ्री डॉट पे टैप कर पेस्ट कर देना है तो इसको आप एक एक करके देख लेना और जिस जिस फोटो में छूटा रहेगा उन सभी में आप लोग को इसी वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है यहाँ पे बस आप लोग को डबल बुक मार्क वाले फोटो को छोड़ना है ठीक है क्योंकि हमने पहले जो इसमें जो है अप्लाई कर रखा है और बाकी के जितने फोटो बच जाते हैं सभी में आप लोग को इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा अब यहाँ से आप लोग को फिर से बैक आना है अगर आप अपने वीडियो में अचरियार इफेक्ट लगाना चाहते हो तो फिर से आप लोग को सेक इफेक्ट ओपन करना है और यहाँ पे जो ऊपर में आप लोग को दो लेयर दिख रहे हैं इन दोनों को कॉपी करना होगा तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप लोग को इसको किसी भी एक पे लॉन्ग प्रेस करना सेकंड को भी सेलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पर टाइप करके कॉपी टू लेयर करना है ठीक है यहाँ से बैक आना और फिर से बुकमार्क शेड ओपन करना है यहाँ पर टाइप करके गई से आप लोग को पेस्ट टू लेयर करना है अब ये करने के बाद दोनों को फिर से सेलेक्ट करना है यहाँ पर लास्ट पर आ जाना है और इस वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना तो यहाँ पे जो एच डी इफेक्ट है वो भी इस तरीके से लग जाता है अब कहीं आप लोग का वीडियो जो है पूरा कंप्लीट बन करके रेडी हो जाता है और कहीं वीडियो पसंद आओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को सिम इसको एक्सपोर्ट करना है इस वाले ऑप्शन पे टाइप करना और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाता है तो चलिए गए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे